हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डियन ऑफ द राइडिंग। तो गाइस, आज है 15 अगस्त, आपके लिए है कुछ स्पेशल। तो नारे तकबीर, भारत माता की। तो गाइस, चलते हैं सीधा राइड पे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो हर बार की तरह, इसीलिए चलते साइड राइड पे, खड़ी अपनी बाइक सेटअप। तो गाइस, रिएक्शन शूट देखते हैं क्या क्या मिलता है हमको रिएक्शन पे। और बाकी है अपने साथ पलटन और बाइक्स भी हैं काफ़ी सारी, तो मिलते हैं अब आपको सीधा बाइक पे। गाइस, राइड पे जाने से पहले तुम्हारा भाई अभी झंडा लहराएगा, चेक करो इसे। चल तो गाइस, मजा आ गया झंडा लहराने में। और ये चेक करो तुम्हारे भाई का आज का आउटफिट, तो ये है कुछ। चलते हैं अब सीधा राइड पे, सारे बंदे तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, अब निकलते हैं सीधा, मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस, निकलते हैं अब राइड पे, सभी बंदे हैं तैयार, यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके हैं, कह रहे निकलो जहाँ से जल्दी जल्दी। तो बस अभी दो बंदे को चेक करने के लिए गए हुए, उनके आते ही हम सीधा निकलते हैं राइड पे। तो गाइस, आज है 15 अगस्त, स्पेशल डे है, तो बाइक भी हमारे पास स्पेशल होनी चाहिए। तो आज तुम्हारा भाई लेके R15, आज हम राइड करेंगे इस पर। तो निकलते हैं राइड पे, अभी वो बंदे पता नहीं कहाँ चले गए हैं यार, जाना तो उधर ही है ना, वहीं चल रहे हैं, वहीं से निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। चलो गाइस, निकलते हैं अब राइड पे। ये बंदे यहाँ पर खड़े हुए, हम थोड़ा पीछे रह गए थे। हॉर्न देख रहे हो गाइस, कितना सेक्सी हो रहा है इसका। तो गाइस, करते हैं शुरू, 15 अगस्त की राइड शुरू। ये जा रही है अपनी एक अपाची, बाइक चेक कराता हूँ गाइस पहले मैं आपको। एक R15, दो R15, एक स्प्लेंडर, एक राइडर और एक अपाची है अपने साथ। और भाई झंडा देख सकते हो आप, अलग ही लहर रहा है, और एक वहाँ पर भी लहर रहा है। तो गाइस, अपनी RV में अभी पेट्रोल भी नहीं है, उसका पेट्रोल भी पहले फिलअप कराना पड़ेगा। कोई नहीं, सबसे पहले इसका पेट्रोल ही फिलअप कराते हैं, फिर देखते हैं राइड। भाई इसका झंडा देख रहे हो कैसे गिर गया यार, ये सेट ही नहीं हो रहा, बार बार जैसी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में जाती है ना, ये पीछे को आ जाता है यार। कोई नहीं, करते हैं इसका भी काम, करते हैं 15 अगस्त की एक सेक्सी सी राइड। तो गाइस, 15 अगस्त आज कोई रूल नहीं तोड़ेगा भाई। सलमान, ओए 15 अगस्त आज कोई रूल नहीं तोड़ेगा, वैसे तो तू रेड लाइट तोड़ देता सारी। हवा ही नहीं चल रही है गाइस बिल्कुल भी, झंडा देख रहे हो एकदम शांत खड़ा हुआ है अपना यार, हवा भी नहीं चल रही, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगे दिखने में, तो लहरता तो अच्छा लगता है दिखने में। बट कोई नहीं, बाइक चलेगी तो हवा लगेगी लगेगी। आज हाइपर होने का बिल्कुल भी मन नहीं है, स्लोली राइड करेंगे और रिएक्शंस नोट करेंगे बंदों के क्या आते हैं। और ये आने भी लग गए थोड़े बहुत, हाँ रिएक्शंस नोट करो भाई, दिल ले रहे हो क्या दिल। गाइस, उस रेड लाइट पे ना दिल बना हुआ है, बंदे वीडियो ले रहे हैं उसकी। दिल्ली में दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा, एक ट्रैफिक और एक रेड लाइट। हॉर्न देख रहे हो गाइस, इसका कितना सेक्सी है यार, ऐसा लगता है कि क्रेटा ही रुक रही है आगे पास में, पों पों। चलो गाइस, तो गाइस गाड़ी चल रही है, अब लगने लगी है हवा और ये लहर रहा है अपना झंडा। अबे मुंडी थूत इधर रखना, उसको लेन दे मेरे को। तो गाइस, अब हवा चल रही है और ये अपना झंडा अलग ही दिख रहा है अब यहाँ पर। गाइस, ये गाड़ी हाथ में और बंदा हाइपर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। यार स्पीड में गाड़ी चलाने से यार इसका झंडा ही बार बार लटक जा रहा है यार। कोई नहीं यार, ये टाइट नहीं हुआ, ये गई अपनी स्प्लेंडर आगे, बंदे सारे पीछे रह गए। ये गई R15, ये राइडर है। पहले बोल रही था भाई, किसी भारी आदमी को झंडा पकड़ के बिठाना, क्योंकि कोई बंदा संभाल नहीं पाएगा गाड़ी स्पीड में जाएगी तो। तो गाइस, आज जा रहे हैं मेन रोड से ही, क्योंकि यहाँ पर ना यार बिजली के खंभे वगैरह तार वार होते हैं यहाँ पे, तो हमारा झंडा वहाँ पे अड़ जाएगा, इसीलिए हम वहाँ नहीं जा रहे, सीधा रोड से ही जा रहे हैं इस बार हम। हाँ आज तो वैसे भी 15 अगस्त तो छुट्टी होगी, इतना ट्रैफिक नहीं होगा आज चिराग दिल्ली की रेड लाइट पर, तो झेल लेंगे इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना झंडा लहर रहा है जैनमैन, अपना वो झंडा आराम से लहर रहा है, और अपना ये झंडा स्पीड में चलता है तो ये नीचे आता है, बाकी ये जो रिबन्स लगे हुए हैं ये तो अलग ही उड़ रहे हैं भाई, अलग ही फील है आज का, अलग ही फील। गाइस बाइक में नहीं है पेट्रोल, बस एक ही पॉइंट है, वो भी लुप लुप कर रहा है, और पेट्रोल अभी कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, मुझे तो लग रहा है कि धक्का ना लगाना पड़ जाए, बट इतना तो विश्वास है अपनी RV पे जो हमको पहुँचा देगी पेट्रोल पंप पे।
अभी भरोसा नहीं तोड़ रखा है अभी इसने, बट देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले जो पेट्रोल ही फिलअप करवाते हैं अब। ओ देखो गाइस पतंग जा रही है कट के, साहिल पतंग लूट ले, काला गुड्डा है, कौन सा गुड्डा है ये किसमें गाइस? यार 15 अगस्त पे ना ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है यार, किसी की गर्दन वर्दन में मांझे वांझे फंस जाता ना दिक्कत हो जाती है। इस बार तो और ज़्यादा मांझे वैसे मिले भी नहीं है, कई कई जगह तो बैन ही हो रखे हैं, बट जो बंदे हैं जिनको शौक रहता ना गंदा वाला वो तो सब चीज़ ढूंढ के ले ही आते हैं कहीं ना कहीं से। गाइस पहली बार ऐसा हुआ गाइस मेरे साथ जो चिराग दिल्ली की रेड लाइट में मैं नहीं रुका हूँ, मेरे को रेड लाइट नहीं ग्रीन लाइट मिली है जो मैं अनस्टॉप जा रहा हूँ यहाँ से। पेट्रोल पंप पे आ जाए, पेट्रोल पंप पे। तो गाइस पेट्रोल पंप रह गया अब थोड़ी सी दूर, और पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ मैं, फिर करते हैं हम दोबारा से यही राइड शुरू। अब यार साहिल भाई बात कर रहे हैं फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आगे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कराते हैं अपना पेट्रोल फिलअप, फिर निकलते हैं एक बार फिर से राइड पे। किस तरफ लगा दूँ? सो गाइस अपनी गाड़ी में हो रहा पेट्रोल फिलअप और सारे खड़े हो गए, कोई इस पंप पे कोई इस पंप पे। ओके भाई जीरो है देख ले, इतना तो भरोसा है यार तुम पे। तो गाइस गाड़ी में हो गया पेट्रोल फिलअप, इसको हम करते हैं आगे जब तक बंदे वहाँ पे भर रहे हैं पानी। तो गाइस बाइक में हो गया पेट्रोल फिलअप, अब निकलते हैं राइड पे। गाइस आज मैं लेके आया हूँ R15, बट इस गाड़ी का ना मैं इंट्रो दूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आज सिर्फ राइड करनी है तो राइड करेंगे, बाकी इसका इंट्रो और बाकी थोड़ी गंदी हो रखी है भाई, इसको मैंने बताया तो पहले धुलवानी है तो थोड़ी गंदी है तो मैं ऐसी लेके आ गया इसको, बट R15 में गंदी हो है अच्छी दिखती वो अच्छी है फुल सेक्सी। इसका ना गाइस इसका हॉर्न का इंट्रो में दे दो यार, हॉर्न चेक करना था कितना प्यारा, देख रहे हो गाइस ऐसा लगता है कि भाई कुछ है। और ये सलमान भाई का सेटअप है और ये लेके खड़े हुए हूँ, पसीना देखो भाई इसके हाथ पे कितना आ रहा है, ऐसा जैसे हाथ धो के आया हो। मेहनत है भाई, सपोर्ट करो यार गाइस, जल्दी जल्दी बन के सब्सक्राइबर्स करवा दो। पानी पे भाई ऐसे टूट के पड़े ना यहाँ पे सारे यार, इतनी प्यास लग रही थी, बंदे से भंडारा वगैरह कुछ हो रहा हो, और भाई ये खड़ी है अपनी बाइक R15, अलग ही लगती है यार ये। भाई झंडा पकड़ा हुआ था मैंने, हाथ काले हो गए और अपने ये रिबन्स भी थोड़े से काले नहीं ब्राउन ब्राउन हो गए, डंडे पे नीचे कलर लगा हुआ है ब्राउन ब्राउन। निकलते फिर है निकले। तो गाइस एक बार फिर से अपनी राइड होती है स्टार्ट। तो गाइस झंडा है अब हमारे पास और पीछे बैठे हमारे भाई और साहिल भाई, वो वहाँ चले गए, वो कह रहे मैं तिरंगा पकड़ के बैठ नहीं पाऊँगा, वो ना गाड़ी चलती ना तो आवाज़ से वो भगता है, तो हाँ तो साहिल भाई कह रहे मैं गाड़ी चला लूँगा झंडा पकड़ के, फिर भाई पीछे बैठ गए। तो कोई नहीं निकलते फिर से एक बार और राइड पे, चलो भाई वंदे चलो लेट्स गो गाइस। मौसम भी ना धीरे, हाँ तब हिलता है यहाँ। और गाइस मौसम भी ना थोड़ा ठंडा सा हो रहा है, आगे देख सकते हो बादल से हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, कोई दिक्कत राइड करने में मज़ा आएगा। और अब झंडा है हमारे पास तो अब लेते हैं इसके मज़े। तो गाइस अब मेरे पास है झंडा, तो मैं हाइपर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भाई जो झंडा पीछे पकड़ के बैठे हुए हैं ना, कहीं को पता चले झंडे के साथ ही पीछे हो गए, इसीलिए मैं हाइपर हो नहीं सकता, अपने 40-50 नॉर्मल चलते हैं, बाकी सारे बंदे तो हाइपर भग गए आगे, और बाकी अपनी अपाची अपने साथ चल रही है। स्प्लेंडर भी भाई उन्हीं के साथ आई पर है अभी तो। पेट्रोल तो अपनी गाड़ी में हो गया फिलअप, पेट्रोल की दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो सिर्फ इस चीज़ की है बार बार यार गिर जाता है इसका, मैं क्या करूँ यार, ये टाइट भी नहीं हो रहा और ना सीधा ही खड़ा हो रहा, इसको तो मैंने मांझे से बांध दिया, मेरे को और मांझा मिला ही नहीं तो मैं इसको भी बांध ही देता यार, इसको बार बार हाथ से करना पड़ रहा है। हो जा यार टाइट रहे गाइस, पेट्रोल पंप देख रहे हो यार क्या डेकोरेट किया हुआ है, नहीं पेट्रोल पंप डेकोरेट नहीं है, पेट्रोल पंप के बगल में कुछ ये नहीं इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट है, कोई इसको डेकोरेट किया हुआ है, पेट्रोल पंप डेकोरेट नहीं है भाई, झंडा है हमारे पास इसीलिए हाइपर नहीं हो सकते हम। हाँ तो बस भाई तो भाई कह रहे थे बहुत भगा रहा था, भगा तो मैं भगा ही नहीं सकता वैसे भी यार, क्योंकि मेरे पास झंडा है भाई की मेरे को देखनी पड़ेगी यार, कहीं वो भी ना उड़ जाए झंडे के साथ साथ ही। तो कोई नहीं जब तक अपने पास झंडा तब तक चलते हैं धीरे, फिर होते हैं इससे हाइपर सॉरी। हाँ बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा ही हो रहा, बारिश ना पड़े बस, मौसम ऐसी रहे, बारिश पड़नी हो जब हम घर पहुंच जाए व्लॉग शूट करके तब पड़े कोई दिक्कत नहीं है। गाइस वो जा रही है अपनी राइडर और सलमान शूट कर रहा है झंडे को,
और ये जा रहे दो प्यारे प्यारे से बच्चे भाई, पूरे तिरंगे वाले कपड़े पहने हुए, क्यूट लग रहे। और रिएक्शन देखो बच्चों का यार, अबे देख के उन बच्चों ने भी अपना झंडा बाहर निकाल लिया है। जय हिंद जय भारत, वो स्प्लेंडर के झंडे निकाल के उन्होंने अंगूठी बना के पहन लिया भाई। शो कराने एक बार झंडा देख रहे हो भाई, स्प्लेंडर से निकाल के अंगूठी बना के पहन लिया है। गाइस फ्लाईओवर चेक करो यार, एकदम खाली पड़ा हुआ है। अबे बोलते ही आ गया वो स्विफ्ट वाला, एक भी पूरा फ्लाईओवर खाली पड़ा था। छुट्टी का दिन ना अलग ही होता है, सब चीज़ खाली खाली रहती है, वरना रोड बना था जाम रहता ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। तो ये जा रही है अपनी मेट्रो। गाइस अगर मेरे पास झंडा ना होता ना तो ये मेट्रो से रेस लगाता यार, पर क्या करे, झंडा है हाइपर में हो नहीं सकता। साहिल भाई ने उतार दिया हेलमेट, ओ हेलमेट पहन ले। तो गाइस स्प्लेंडर का एक ये रिबन वाला गिर चुका है, तो साहिल ने एक हाथ में कलाई में ही पहन लिया अपनी, बाकी अपनी R15 पे तो दोनों पे ही लगे हुए हैं। तो गाइस रुक चुके हैं यहाँ पे फिर से, रेड वाली R15 जो है वो काफ़ी पीछे रह गई है, और जो फ़ोन कर रहे पता नहीं कहाँ पहुँच गए वो। और मौसम चेक करो गाइस कितना जैनमन हो चुका है, अभी काफ़ी तेज़ धूप थी बट मौसम जो है ना खतरनाक हो गया, राइड करने में अलग ही मज़ा आएगा। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें पीछे झंडा पकड़ के बैठने में? कोई गलती नहीं है, हवा का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं आ रहा कि जो पीछे के गिरो? कोई दिक्कत नहीं है भाई। साहिल भाई थोड़े से हल्के ना, थोड़े लगा कि मैं शायद हवा की वजह से थोड़ा पीछे ही चला जाऊँगा, तो उन्होंने फिर पकड़ा नहीं, भाई को दे दिया। उनका पीछे झंडा गिर गया, वो तभी आ रहा है गाइस। जो पीछे जो R15 रेड कलर की जो हमारे साथ आ रही थी ना, उनके जो फ्लैग्स लगे हुए थे ना आगे, वो फ्लैग गिर गए, तो वो उन्हें उठाने के लिए वापस गए, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गए। कोई नहीं, वेट करते हैं उनका, हम यहाँ पर खड़े ही हैं। भारत माता की वंदे, नारे तकबीर। ये वैसे गाइस हम पहुँच चुके हैं लाजपत नगर, ये रहा लाजपत नगर का मेट्रो स्टेशन। और ये देख रहे हो भाई स्विफ्ट साउंड, खतरनाक ही जा रहा भाई ये तो। गाइस यार बारिश आ रही है यार, व्लॉग खराब ना हो जाए, व्लॉग शूट हो जाए, हम घर पहुंच जाए, फिर बारिश आए कोई दिक्कत नहीं है यार ना, फिर भी नहीं आया नहीं। जो होते जिन्हें पतंग उड़ाने का शौक होता है, फिर उन बंदों का ख़राब हो जाएगा सीन। बारिश तो आज आए ना, बट आ रही है, क्या कर सकते हैं। और ये साहिल भाई खड़े हुए बीच में झंडा लेके, अबे गाड़ी वाड़ी ना उड़ा दे, साइड में हो जा भाई, कहीं झंडे के साथ तू भी लहर जाए। अब बारिश में राइड करते हैं, और ये झंडा ये वाला अब चिपका यार, इसने अब थोड़ा सा दिक्कत दी है मेरे को। बाकी ये झंडा एकदम जैनमैन है मेरी तरह, और ये झंडा है सलमान की तरह, हरदम बिगड़ता ही रहता है, ठीक करते रहो करते रहो। हाँ भाई, ए कैसा लग रहा बारिश में अब, कैसा लग रहा बारिश में? गाइस बारिश आ गई यार, अब मुझे तो लग रहा है काफ़ी देर तक हो रही है, क्योंकि मौसम ना बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, एकदम काला। बारिश आज होने वाली खतरनाक यार, हमारे पास तिरंगे वगैरह भी है, भीग ना जाए यार, फिर भीग गया ना तो ये फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, भारी और हो जाएगा, वैसे भी बहुत भारी है। रुकते हैं गाइस इसी फ्लाईओवर के नीचे, बंद होती है बारिश, फिर देखते हैं निकलते हैं कहीं। तो गाइस रुकते हैं यहीं पर, बारिश हो रही है यार, देखते हैं इसका रुकने का, वेट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा सा उधर करके तो लगा भाई, मैन स्टैंड नहीं है इसमें।